डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये पाइल्स क्या होता है, क्योंकि अक्सर जब हमारे पास मरीज़ आता है तो वो हर बीमारी को पाइल्स बताता है। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि पाइल्स होता क्या है। हेलो दोस्तों, आप हैं डॉक्टर अंश त्यागी, पाइल्स फिस्टुला क्लिनिक, यूट्यूब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर अंश त्यागी, गुदा रोग विशेषज्ञ हूं, 400 चिकित्सक हूं, संजय नगर सेक्टर 23 में प्रैक्टिस करता हूं, गाजियाबाद में। दोस्तों, मेरे साथ हैं डॉक्टर आशीष। डॉक्टर आशीष बिजनौर में के रहने वाले हैं, बिजनौर में प्रैक्टिस करते हैं, गुदा रोग विशेषज्ञ हैं ये वहाँ पर, और बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि पाइल्स को समझने की। पाइल्स एक लेमेन लैंग्वेज में, जो हमारे समझने में नहीं, हम लोगों ने तो पढ़ लिया, हम लोग बात कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए पाइल्स जो है वो क्या है, पाइल्स के लिए हम लोग जो है किस तरह से एक आम इंसान समझ सकता है। तो ये इस तरह के कुछ सवाल जवाब होने वाले हैं, जिसे आप लोग जो है अच्छे से समझ सकते हैं। ये वीडियोस पार्ट वाइज आएंगी, तो पार्ट वाइज आप इन लोगों को देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो अगर लंबी वीडियो हो जाती है तो उसको हम लोग पार्ट वाइज रखेंगे, तो उसको आप डेली के डेली आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये पाइल्स क्या होता है, क्योंकि अक्सर जब हमारे पास मरीज़ आता है तो वो हर बीमारी को पाइल्स बताता है। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि पाइल्स होता क्या है। देखिए डॉक्टर साहब, पाइल्स जो है, पाइल्स जो गुदा मार्ग की जो नसें होती हैं, जो वेन्स होती हैं, जब वो फूल जाती हैं, जब उनमें ब्लड कंजेशन ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो उनको ही वो वेरिकोज पाइल्स बन जाती हैं, वेरिकोज वेन बन जाती हैं, और कालांतर में उन वेरिकोज वेन को ही पाइल्स कह जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये हम कैसे पता लगाएं कि जो ये पाइल्स है ये खूनी वाला पाइल खूनी बवासीर है या बाहरी बवासीर है? डॉक्टर साहब, हम लोग जनरली आम भाषा में बादी बवासीर और खूनी बवासीर सुनते हैं, यानी कि जो एनस होती है, अब आप एक चीज़ सोचिए कि एनस का ब्लड सर्कुलेशन, जो एनस का खून का दौरा है, वो प्रॉपर ऐसा तो है नहीं कि एक एक नस आएगी वहाँ पर और प्रॉपर सारे को जाल पहुँचा करके वो बना देती है। वहाँ पर नसों का गुच्छा होता है, नसों की अंदर की जो थोड़ी डीप वेंस होती हैं, थोड़ी सी सुपरफिशियल होती हैं, इस तरह की वेंस होती हैं, जैसे कि आप हथेली पे भी देखते हो और थोड़ी सी आपको दिखाई देती हैं, यहाँ मसल्स ज़्यादा हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देती आसानी से। तो इसी तरीके से जो नसें होती हैं, जो इंटरनल वेंस होती हैं, जब उनमें वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं तो पाइल्स बननी शुरू हो जाती हैं ग्रेड वाइज, उन्हें इंटरनल पाइल्स होती हैं। शुरुआत में उनमें खून भी आता है, फर्स्ट और सेकंड ग्रेड पे, थर्ड ग्रेड पे अक्सर उनमें पिचकारी की तरह खून आता है, या फिर थोड़ा बहुत खून जो है बूंद बूंद करके आता है, वो पेनलेस होते हैं ज़्यादातर पाइल्स। ठीक है, जो ये बादी बवासीर होते हैं, गुदा मार्ग में, गुदा मार्ग के जो होठ हैं उसके आसपास की जो वेन्स हैं, जब उनमें कंजेशन बन जाए या फिर उनमें से ब्लड क्लॉट निकल करके इकट्ठा हो जाए और वो थ्रम्बोज हो चुका हो, यानी कि खून का थक्का वहाँ पे उस नस में का प्रॉपर वहाँ पे इकट्ठा हो चुका हो, उसको बादी बवासीर कहते हैं। ये थोड़ा सा पेनफुल होता है और ये समय के साथ में कुछ खाने पीने से घटता बढ़ता रहता है, इसमें दर्द भी होता है पेशेंट को। जो गुदा मार्ग के होंठ हैं उनमें वो कंजेशन इकट्ठा होकर वो बादी बवासीर बनाता है। अक्सर लोग इसको खुद भी बना लेते हैं, जो लोग किसी ट्रॉमा की वजह से, या फिर कुछ इस तरह से कि जो लोग ज़्यादा लेटरिन करने के दौरान चोट लगाते हैं, पाइल्स उनमें डेवलप हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए कि अक्सर एक्सटर्नल पाइल्स में और फिशर में, दोनों में, फिशर एक वर्ड आया है तो फिशर में भी पेन होता है, तो हम ये पता कैसे लगाएं कि ये हमको फिशर है या एक्सटर्नल पाइल है? बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, बहुत सही क्वेश्चन है, क्योंकि पेन और ब्लड, यहाँ पे आपको मेन ही तीन लक्षण मिलने वाले हैं। कुछ मांस का बढ़ जाना, मरीज की कंप्लेन डॉक्टर साहब कुछ मांस सा बढ़ा हुआ है, सेकंड जो है क्वेरी आती है डॉक्टर साहब खून आ रहा है, थर्ड क्वेरी है पेशेंट को डॉक्टर साहब पेन है। अभी हमने बताया कि इंटरनल पाइल्स जो है, यानी खूनी बवासीर में दर्द नहीं होता, पेनलेस होता है। अगर पेन नहीं है आपको और फिशर में से भी ब्लड जो है आपको ब्लीडिंग होती रहती है, तो लेकिन बहुत मिनिमम होती है, ड्रॉप वाइज, या और कभी कभी होती है, शुरुआत में एक दो बार आता है, फिर ब्लीडिंग नहीं होती। तो ये तो अंतर होता है अंदरूनी बवासीर और फिशर में। दूसरा, कालांतर में फिशर के बाहर जो चमड़ी है, जो उसके ओपन जो टिश्यूज़ होते हैं, ओपन खुले जख्म के जो टिश्यूज़ होते हैं वो, क्योंकि फिशर का मतलब ही होता है कि कट लग जाना, जी जी क्रैक हो बिल्कुल जाना, परिकृति का बन जाना,
ठीक है, तो वो जो उसके ओपन टिश्यूज हैं वो बाहर लटकते शुरू हो जाते हैं और बाद में कालांतर पे उस पे स्किन आ जाती है और उसको स्किन टैग या सेंट्रल पाइल हम लोग कहते हैं। तो सेंट्रल पाइल भी अक्सर बादी बवासीर में ही गिना जाता है लोगों के लिए। तो और बादी बवासीर और थ्रम्बोज पाइल में दोनों चीज़ों में अंतर है, उसमें जो गुदामार का होठ है वो कहीं पर भी हो सकता है, जबकि सेंट्रल पाइल मोस्ट प्रोबेबली उसमें पेन के साथ में 6 o'clock और 12 o'clock पर ही आता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि अगर हमें फिशर हो रहा होगा तो वो जहाँ तक है 6 o'clock पे या 12 o'clock पे ही होगा, तो ये फिशर की बहुत अच्छी पहचान है। बाकी जो होठ अगर फूले हुए हैं तो वो एक्सटर्नल पाइल्स कहलाएगा, ऐसा डॉक्टर साहब ने बताया।